हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाखा, मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं 4 डिलीशियस वेज स्टार्टर्स। इसमें हम बनाएंगे कॉर्न चीज़ लॉलीपॉप, गोल्ड कॉइन, स्टफ मशरूम और हरा भरा कबाब। तो बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ मशरूम। ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी रहती है ये। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 200 ग्राम मशरूम्स, जिनको हमने पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ करने के बाद जो इसके स्टेम्स रहते हैं वो हमें ये निकाल देने हैं इस तरह से, थोड़ा सा अच्छी तरह से इसकी स्पेस बनानी है जैसे हम स्टफिंग कर सकें। मैरिनेशन के लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 बड़े चम्मच दही, 1/2 टी स्पून यहाँ पर हम डालेंगे आमचूर पाउडर, 2 चम्मच चाहिए बेसन, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 प्याज, जिनको हमने बारीक काट लिया है, 1 चीज़ क्यूब लेनी है जिसको स्मॉल पीसेस में कट करना है, मशरूम की जो स्टेम्स हैं उनको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। मैरिनेशन तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा बोल। इसमें हम डालेंगे पहले दही, बेसन, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सब मसाले हम अच्छी तरह से मिला देंगे और ये अच्छी सी एक स्मूथ पेस्ट तैयार होगी। लेकिन ध्यान देना है लम्स नहीं आने चाहिए इसमें, बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये स्मूथ पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को हम ऑयल के साथ एक बार मिला देंगे और इसमें डालेंगे मशरूम्स की जो स्टेम्स हमने बारीक काट के रखी है। एक मिनट के लिए खाली हमें इन्हें रोस्ट करना है। कांदे का कच्चापन सिर्फ निकल जाना चाहिए, पकाना नहीं है हमें इनको। अभी हम इसमें डालेंगे 1 स्पून जो हमने मैरिनेशन तैयार किया है। एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे मैरिनेशन के साथ। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, अच्छे से एक बार मिला देंगे। ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है, ठंडा होने के बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। ये जो मैरिनेशन का पेस्ट है इसमें हम डाल देंगे मशरूम्स। मशरूम्स पे अच्छी तरह से कोटिंग करके हम इसे रख देंगे 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में। ये देखिए कोटिंग के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं मशरूम्स। फ्रिज में रखने से ये कोटिंग जो है अच्छी तरह से सेट हो जाएगी इन पे। अभी हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे हम डालेंगे चीज़ जो हमने बारीक काट के रखी है, उसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। एक बार सब मिक्स कर लेंगे।
स्टफ करने के लिए ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। ये देखिए आफ्टर 15 मिनट्स हम फ्रिज से निकाल देंगे मशरूम्स को। एक एक मशरूम बटन लेंगे और जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो हम इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से स्टफिंग डालनी है और अच्छे से प्रेस कर लेना है जैसे स्टफिंग बाहर ना आए। ये देखिए इस तरह से स्टफ करना है हमें। इस तरह से हमें सभी मशरूम्स को स्टफ करके रखना है। ये देखिए ये हमने सभी मशरूम्स को स्टफ कर लिया है। यहाँ पे मशरूम्स को रोस्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, दो चम्मच ऑयल डाल के इसे हल्का सा गरम कर देना है। ऑयल एक बार गरम हो गया तो स्लो गैस कर लेंगे और एक एक मशरूम हम इस पे रखते जाएंगे। अभी ध्यान देना है जो स्टफिंग वाला साइड है वो हमें नीचे रखना है। पहले हम स्टफिंग वाला साइड अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मशरूम्स को रख देना है और इसको हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। मशरूम्स जो हैं वो जल्दी ही पक जाते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे आहिस्ते से। दो स्पैटुला की मदद से आप साइड चेंज कीजिएगा, बहुत आसानी से साइडों चेंज हो जाएगा। इस तरह से देखिए कितना अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है एक साइड हमारा। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम रोस्ट करेंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए मशरूम्स अभी हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। इनको हम एक एक करके निकाल देंगे और इन्हें हम गार्निश कर रहे हैं चीज़ और बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ। कितने अच्छे लग रहे हैं ये हमारे स्टफ मशरूम्स, बहुत ही आसानी से जल्दी बन जाते हैं ये स्टफ। आप सब आज मैं बनाने जा रही हूँ हरा भरा कबाब। यहाँ हमने लिया है एक बंच पालक के पत्ते, उनको हमने डंठल से अलग करके रखना है। एक बोल हम लेंगे यहाँ पे हरा धनिया जिसको हमने साफ कर लिया है। यहाँ हमने एक बर्तन में पानी गर्म किया है, इसमें हम डालेंगे पालक और हरा धनिया। अभी हमें इसको 2 मिनट तक घुमाना है पालक को, ऐसे ही शोर नहीं देंगे। पालक को जब भी बॉयल करें तो उन्हें घुमाते हुए रहना चाहिए और 2 मिनट से ज़्यादा हम इसको बॉयल नहीं करेंगे। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे पालक जो है अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है और इसको हम पानी से निकाल देंगे और ठंडा पानी डाल के उसका पूरा पानी निकाल के अलग करके रखना है। हमने यहाँ लिया है एक होल बॉयल पीस। एक मिक्सर का जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। इसको हम पहले थोड़ा ग्राइंड करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पालक। इसका पानी हमें अच्छे से निकालना है, वो ध्यान देना है। पहले हमें थोड़े से बॉयल पीस डाल के इसको हमें ग्राइंड करना है, दरदरा करना है, एकदम पीसना नहीं है। उनका हमारा अभी तैयार है। पालक के मिक्सचर को एक बोल में हम डालेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे 1 स्पून के बराबर बॉयल पीस। यहाँ हमने 2 आलू लिए हैं जिन बॉयल किए हुए, जिनको हमें मैश करके ये पालक के मिक्सचर में डालना है। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून चाट मसाला एंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारा हरा भरा कबाब का मसाला बनकर तैयार है। ये हमने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं जिसका हमने ब्रेड क्रम बनाया है और ये हरा भरा कबाब का जो मसाला है उसका हम पैटिस की शेप बनाएंगे।
ये देखिए अभी हमें इसको कोट करना है ब्रेड क्रम के साथ। ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे इस पर हम। अच्छी तरह से कोट होना चाहिए, हमें ध्यान देना है। हमने यहाँ कुछ इस तरह से पैटिस बना कर रखी हैं और हमने यहाँ ये काजू लिए हैं जिनको कट करके रखा है हाफ में, वो हमें ऊपर से हम लगाएंगे। हमने यहाँ ये फ्लैट पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो जाएगा तो हम स्लो फ्लेम कर देंगे। ये तेल हमारा अभी गरम हो चुका है, इसमें हम कबाब डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से एक साइड पहले ब्राउन हो जाएगा तो ही इसका हम साइड चेंज करेंगे। ये देखिए अभी हमारा दूसरा साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल के साइड करके रखेंगे। हमारा हरा भरा कबाब तो फ्राई हो चुका है। तड़का तैयार करने के लिए हमने यहाँ लिया है कुछ कड़ी पत्ते, काजू और एक शिमला मिर्च जिसको हमने स्लाइस करके रखा है, 2 स्पून ग्रीन पीस। हमने यहाँ एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 स्पून ऑयल और अभी हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और काजू। जैसे ही वो थोड़ा फ्राई हो जाएंगे इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च स्लाइस किया हुआ एंड 2 स्पून ग्रीन पीस। 2 मिनट के लिए इसको हमें अभी सौते करना है, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये क्रंची रहने चाहिए। ये नमक और चाट मसाला हमने मिक्स करके रखा है, वो इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे और स्प्रिंकल करने के बाद हम इसको अलग करके प्लेट में रख देंगे और ज़्यादा पकाना नहीं है। हरा भरा कबाब को सर्व करने के लिए हमने प्लेट लिया है, इस पर हम कबाब रखेंगे और गार्निशिंग का लिए जो हमने तैयार किया था मसाला वो उसके ऊपर हम गार्निश करेंगे उससे। ये हमारा हरा भरा कबाब बनकर तैयार है। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ स्टार्टर गोल्ड कॉइन। ये दिखने में जितना सिंपल है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही आसानी से घर पे बनता है। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। और ये ऐसा एक स्टार्टर है कि आप पहले ही सब तैयारी करके रख सकते हो। घर पे मेहमान आने वाले हो, बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, स्टार्टर ये तैयार रख सकते हो और जब सर्व करना हो वो टाइम पे जस्ट फ्राई करके 2 मिनट में आप ये सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ जो चटनी सर्व की जाती है सेजवान चटनी, वो भी हम आज घर पर ही बनाएँगे। बहुत ही आसानी से वो बन जाती है और एक बार बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हो, 15 से 20 दिन आसानी से वो रह सकती है। तो बनाना शुरू करते हैं। सेजवान चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 50 ग्राम्स ये ड्राई रेड चिलीज़। ये कलर में देखिए कितने डार्क हैं। इस तरह का कलर रहेगा तो हमारा सेजवान चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ये तीखे भी हैं तो हमें ये 50 ग्राम्स यूज़ करने हैं। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डाल के हमें इसे सोक करना है 1/2 घंटे के लिए, जैसे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो ग्राइंड हो सके अच्छी तरह से। अगर आपके पास टाइम नहीं है 1/2 घंटे का तो आप इसे 5 मिनट के लिए बॉयल कीजिए और बाद में आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए 1/2 घंटे बाद इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से फूल भी जाते हैं ये। अभी हम इसको मिक्सर जार में डालेंगे। हमें इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है ग्राइंड करने के टाइम। ये अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं तो ग्राइंड ऐसे ही हो जाएंगे। और ग्राइंड करने के टाइम हमें ध्यान देना है कि इसका जो हम पेस्ट बनाएंगे वो कोर्सली पेस्ट बनानी है हमें। फाइन पेस्ट हमें नहीं तैयार करनी है इसकी, दरदरापन होना चाहिए इसमें। जो सेजवान चटनी बनती है उसमें दरदरापन रहता है चटनी में, सॉस जो है वो एकदम फाइन पेस्ट होती है। तो ये फ़र्क है दोनों में। ये देखिए
इस तरह से ये हमें ड्राई रेड चिलीज की पेस्ट तैयार करनी है। अभी हम एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच लहसुन, जो हमने बारीक काट के रखा है। 2 चम्मच हम डालेंगे अदरक के, उसको भी हमने बारीक काट लिया है। ये जो सेजवान चटनी बनती है इसमें लहसुन का बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर आता है अच्छे से। इसको हमें फ्राई करना है 1 मिनट के लिए, जब तक ये हल्का सा गोल्डन नहीं होता। ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे ये रेड चिली पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और 1 मिनट तक हमें इसे पकाना है। जो ये रेड चिलीज का कच्चापन रहता है वो निकल जाएगा। ये देखिए अभी ये रेड चिली पेस्ट थोड़ी ड्राई हो चुकी है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास के तकरीबन पानी। इसको हम अच्छे से मिला देंगे और एक बॉयल आने देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच हरे धनिए के, जो डंठल रहती हैं वो मैंने बारीक काट के डाली है। वैसे सैरेले यूज़ किया जाता है इसमें अच्छा फ्लेवर लाने के लिए, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ये डाल रही हूँ। सेम ही फ्लेवर देगा ये भी। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर। अगर हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे तो हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमें ये क्रश्ड ब्लैक पेपर ही यूज़ करना चाहिए इसके लिए। इसको हम कवर करके अभी 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद आप देखोगे तो ये अच्छे से पक भी चुकी होगी चटनी और ऑयल भी उसका सेपरेट हो गया होगा। अभी हम इसमें डालेंगे 1 स्पून पाउडर्ड शुगर। ये जल्दी घुल जाएगी इसमें, इसीलिए पाउडर शुगर यूज़ करना अच्छा है। 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं विनेगर और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस। दो चम्मच हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस। सब सॉसेस हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको ये थिक हो गई है पेस्ट लग रहा है तो हल्का सा पानी आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार किया है, वो हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हमें मिला देना है। कॉर्नफ्लोर से इसका एक अच्छा टेक्सचर आ जाएगा और सेजवान चटनी जो है हल्की सी थिक हो जाएगी। इसको हम एक बार अच्छे से मिला के 1 मिनट के लिए हम खाली पकने देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी थिकनेस आ गई है इसमें। ये हमारी सेजवान चटनी बनकर तैयार है। इसको हमें ठंडा कर देना है और एयर टाइट कंटेनर में हम रख सकते हैं 15 से 20 दिन। आसानी से आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और यूज़ कर सकते हो जब आपको यूज़ करना हो। अभी हम बनाते हैं गोल्ड कॉइन का मिक्सचर। मिक्सचर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है पत्ता गोभी।
जिसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। एक कैरेट लिया है ऑरेंज, जिसको चॉपर में ही चॉप कर लिया है हमने। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हाफ टीस्पून हम इसमें ले रहे हैं क्रश्ड ब्लैक पेपर, 3 चम्मच हमने लिए हैं मैदा, 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे सेजवान चटनी, 1 चटनी में अच्छे से लहसुन अदरक डला हुआ है तो हम इसमें लहसुन अदरक एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस, 2 मसाले हम अच्छे से मिला देंगे। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि पत्ता गोभी और गाजर का हमने पानी निचोड़ के नहीं निकाला है। अगर आप निचोड़ के निकाल रहे हो तो हल्का सा पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो इसमें। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून के तकरीबन ऑरेंज फूड कलर, इससे कलर अच्छा आ जाएगा इसमें, और 1/4 टीस्पून के तकरीबन इसमें डाल रहे हैं अजीनोमोटो, जिसे चाइनीज़ नमक कहा जाता है। वैसे तो चाइनीज़ हम इतना घर पे खाते नहीं हैं, अगर हम थोड़ा ये डालते हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है। आप नहीं डालना चाहो तो ऑप्शनल है, नहीं डालिए। ये देखिए अच्छे से हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। यहाँ हमने ये ब्रेड का स्लाइस लिया है और ये राउंड कटर है, इससे हम अच्छे से इसका राउंड शेप देंगे। ये एक स्लाइस से ऐसे 2 हमारे शेप्स बनकर तैयार होंगे। और जो ये साइड्स हमारे बच गए हैं, ये वेस्टेज नहीं है, इसको आप 1 घंटे के लिए ऐसे खुला रख दीजिए और बाद में ग्राइंड करके आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। ये ब्रेड क्रम तैयार हो जाएगा आपका। इस तरह से हम बाकी के भी ब्रेड्स को इस तरह शेप दे देंगे। यहाँ हमने ये 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर, इसमें पानी डाल के इसका हमें एक गोल तैयार करना है। ध्यान देना है सिर्फ हमें कि ये लम्स फ्री हो, इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये हमारा गोल बनकर तैयार है। यहाँ हम ये एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उस पर पहले हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का गोल लगाना है। अभी हम ये जो मिक्सचर तैयार किया है वो हम डालेंगे। फिर से हम थोड़ा सा इस पर कॉर्नफ्लोर का गोल लगाएंगे। और अभी हम इस पर लगाएंगे सफ़ेद तिल, डाल के अच्छे से थोड़ा इसे प्रेस कर लेना है। जैसे हम इसे फ्राई करेंगे वो टाइम पे वो ऑयल में पूरा निकल के ऑयल ख़राब ना कर दें। इसी तरह से हमें बाकी के भी जो पॉइंट्स हैं वो हम तैयार कर लेंगे। और हमें ध्यान देना है जो हम मिक्सचर लगाएंगे वो ज़्यादा नहीं लगा देना है, नहीं तो क्या होगा फ्राई होने के बाद जब हम इसे खाएंगे तो अंदर से थोड़ा कच्चा ना लगे, इसीलिए हमें मसाला जो है अच्छे से लगाना है, ध्यान से ज़्यादा नहीं लगा देना है। इसी तरह हम सभी कॉइंस तैयार कर देंगे। यहाँ पे हमने ऑयल गर्म होने को रख दिया है, ऑयल गरम हो चुका है। जो सब्जियों वाला साइड है पहले हम वो नीचे डाल देंगे फ्राई होने के लिए,
और हमें ध्यान देना है ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल ठंडा होगा तो ब्रेड जो है ऑयल ज़्यादा ले लेती है, इसीलिए इसको हम गर्म ऑयल में ही डालेंगे। एक से डेढ़ मिनट एक साइड फ्राई होने के बाद ही हम इसका साइड चेंज करेंगे। बार बार साइड नहीं चेंज करना है। ये देखिए ऊपर से आपको देखोगे, साइड से आपको लग रहा है कि ये गोल्डन हो चुका है। इस तरह जब दिखेगा तो इसका हम साइड चेंज करना शुरू करेंगे। ये देखिए इतना अच्छा गोल्डन कलर आया है। और हमें दूसरे साइड भी इसी तरह हमें फ्राई करना है। दूसरे साइड भी हमारी ब्रेड जो है गोल्डन हो जाएगी, तो हम इसको साइड करके ऐसे एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और साइड कर देंगे। ये देखिए ये हमारे गोल पॉइंट्स बनकर तैयार हो गए हैं। कितना अच्छा स्टार्टर है ये, इजीली घर पे बन जाता है। और पहले आप सब तैयारी करके आप सर्व करने के टाइम पे इसे फ्राई करके गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो ये कॉर्न चीज़ लॉलीपॉप्स, नाम से तो मालूम पड़ जाता है कि इसमें कॉर्न और चीज़ है, लेकिन इसमें और भी ऐसे फ्लेवर्स हमने ऐड किए हैं जिससे कटलेट का टेस्ट जो है वो बढ़ा देते हैं। ज़्यादा समय तक कटलेट्स कैसे क्रिस्पी रखे जा सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें एक टिप बताऊँगी। बनाना शुरू करते हैं कॉर्न चीज़ लॉलीपॉप्स। इसके लिए हम यहाँ एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून धनिया, अखे धनिए जो रहते हैं, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ, 5-6 लहसुन की कलियां, एक अदरक का टुकड़ा, 2 लाल मिर्च जिसको हमने काट के डाला है, 2 चम्मच कॉर्न डालेंगे। सब मसाले हमें अच्छी तरह से रोस्ट करने हैं 1-1.5 मिनट तक। इनके जो अच्छे फ्लेवर्स आते हैं उससे आपको मालूम पड़ जाएगा, और थोड़ा ड्राई हो जाएंगे कॉर्न्स भी इसमें। ये इस तरह से 1 मिनट हमें भूनना है। गैस बंद करके थोड़ा ठंडा करेंगे और मिक्सर जार में डालेंगे इसे, और इसे हम कोर्सली थोड़ा दरदरा रखेंगे, ग्राइंड करेंगे। पूरा हमें पेस्ट नहीं करना है। ये देखिए ग्राइंड करने के बाद ये हमारा कॉर्न का मसाला जो है वो तैयार हो गया है। इसे हम एक बड़े बोल में शिफ्ट कर देंगे। तीन बॉयल आलू हमने लिए जिनको मैश कर लिया है, इसमें हमें डालने हैं। एक मीडियम साइज का कांदा हम लेंगे जिसको हमने फाइन चॉप करना है, बारीक काट के हमें डालना है। 1 स्पून इसमें हम डालेंगे गाजर बारीक कटी हुई, 1 स्पून शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 स्पून हम इसमें हरे मटर डालेंगे, बॉयल किए हुए पीस हैं लेकिन ये, 1 नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च कुटी हुई, 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 नींबू का रस इसमें हम डालेंगे, 1 स्पून डालेंगे इसमें हम कॉर्न जो हमने रख दिए थे साइड किए, 1/2 से पुदीने के पत्ते डालेंगे बारीक कटे हुए, और 1 स्पून डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। दो चीज़ क्यूब लिए जिनको हमने ग्रेट कर लिया था वो हम इसमें डालेंगे। सब मसाले हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये हमारा कटलेट्स का मसाला बनकर तैयार हो गया है। यहाँ हमने एक छोटा बोल लिया है जिसमें हम डालेंगे 1 स्पून कॉर्नफ्लोर, 2-3 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक गोल तैयार करेंगे। इस तरह से ये हमारा गोल रहना चाहिए, लम्स नहीं रहने चाहिए गोल में।
ये हमने 3 स्लाइस के ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। कटलेट्स बनाने के लिए हम हाथों को ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा हम पहले मसाला हाथ में लेंगे कटलेट का और उसको अच्छी तरह से पहले हाथों से सेट करेंगे। आप इसका पैटिस बनाना चाहें तो राउंड शेप कर सकते हो, कटलेट बनाना चाहें तो ऐसे ओवल शेप में रख सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। ये देखिए हमने इसे ओवल शेप में किया है। इसको अभी हम डिप करेंगे कॉर्नफ्लावर के गोल में। फिर हम ये ब्रेड क्रम में डालेंगे और दूसरे हाथ से पूरा ब्रेड क्रम से कोट करेंगे इसे। ये देखिए ये हमारा कटलेट बनकर तैयार है। यहाँ पे हम इसे लॉलीपॉप का शेप दे रहे हैं, तो हमने यहाँ आइसक्रीम स्टिक ली है जिनको हॉफ किया है। ये बड़ा स्टिक था हमारा, इसको हम इसमें बीच में अच्छी तरह से डालेंगे और सेट करेंगे जैसे वो बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरह हम सभी लॉलीपॉप्स तैयार करेंगे। ये हमारे सब लॉलीपॉप बनकर तैयार हैं। यहाँ पे ये लॉलीपॉप ज़्यादा समय तक क्रिस्प रहें उसके लिए हमें क्या करना है, ये लॉलीपॉप्स तैयार करके हमें फ्रिज में उसे सेट करने के लिए रखना है हाफ एन आवर के लिए। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा टाइम रख सकते हो। हाफ एन आवर के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। हमने फ्लैट पैन लिया है, ऑयल गर्म करने के बाद हम इसमें एक एक करके डालेंगे। आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो स्मॉल बैचेस में फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा एक साथ नहीं डाल दीजिएगा। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे। जब तक ये हल्का गोल्डन नहीं होता हम इसका साइड चेंज नहीं करेंगे। दो से तीन मिनट बाद आप साइड चेंज करके देखिए, ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर हो गया है। इसी तरह सभी लॉलीपॉप्स हम दूसरे साइड भी फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, लॉलीपॉप्स को हमें गोल्डन ही रखना है। लॉलीपॉप्स हमारे बनकर तैयार हो गए, इनको हम अलग कर देंगे ऑयल से। हमारे बनकर तैयार है कॉर्न चीज़ लॉलीपॉप्स जिसे हम सर्व कर रहे हैं ग्रीन चटनी के साथ।